गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आप लोगों के लिए सॉइल का टॉपिक लेके आए हुए हैं। इस वीडियो में लगभग टॉप 30 क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, रेसिड्यूअल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। रेसिड्यूअल सॉइल कैसे बनता है? रेसिड्यूअल सॉइल बताते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। ये रॉक्स होता है जो टूटता टूटता टूटते नीचे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है किसी के द्वारा, विंड के द्वारा, आइस के द्वारा, कुछ और के द्वारा, विंड के वाटर के द्वारा भी होता है। जो जो यहाँ जो ऊपर से जो रॉक इरोजन हुआ है अगर वहीं पर रुक जाता है तो इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल, ठीक है। इसको रेसिड्यूअल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेसिड्यूअल सॉइल किस किसके द्वारा फॉर्म होता है? ग्लेशियर के द्वारा तो नहीं फॉर्म होता क्योंकि वो तो वहीं पर रुक जाता है, विंड के द्वारा भी नहीं होता है, वाटर के द्वारा भी नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। जो वहाँ पर रुक जाता है यहाँ पर, इसी को कहते हैं यहाँ पर रेसिड्यूअल सॉइल। ये वेदरिंग एक्शन के भी कारण हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, ऑप्शन है नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0% एंड बी ग्रेटर देन 100%। चलिए बताइए इसका आंसर तो खुद सा दे सकते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जब भी देखिए वाटर कंटेंट होता है 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेवर बी ग्रेटर देन हंड्रेड परसेंट, मतलब कि कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है, ये भी गलत है। टेक वैल्यू फ्रॉम 0% to 100%, ये भी नहीं हो सकता है। बी लेस देन 0%, 0% से कम बोल रहा है, 0% से कम तो होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है। बी ग्रेटर देन 100%, हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी बताए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लिस्ट फॉर। चलिए बताइए, एंगल इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल किसके लिए लिस्ट होता है, कम होता है? तो आपको बता देते हैं, क्ले के लिए लिस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल्ली सिचुएटेड सॉइल इज सेड टू बी वन फेस सिस्टम। बी ऑप्शन है टू फेस सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, सी टू फेस सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर एंड डी थ्री फेस सिस्टम। चलिए बताइए, फुल्ली सिचुएटेड सॉइल किसको कहते हैं? फुल्ली सिचुएटेड सॉइल में सॉइल में कितना फेज होता है ये तो जानते ही होंगे। सॉइल में 3 फेज होता है, जो नहीं जानते उनके लिए है। सॉइल में 3 फेज होता है, एक एयर का होता है, एक वाटर का होता है, एक सॉलिड का होता है, सॉइल्स का या सॉलिड का। तो देखिए, एयर का और वाटर का, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं तो यहाँ पे सॉइल है, अगर यहाँ पे ये दोनों में सिर्फ वाटर भर जाए, क्या बोला, फुल्ली सेचुएटेड मतलब कि उसमें पानी ही है, तो यहाँ पर दोनों मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में पूरा वाटर ही हो जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये टू फेस सिस्टम है। बट किसका है? तो टू फेस सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर का है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज़ ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 kN/m³ एंड वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। चलिए बताइए ड्राई डेंसिटी क्या होता है? ड्राई डेंसिटी तो जानते ही होंगे, गामा डी, इसको बोलते हैं जनरली गामा डी। गामा डी बराबर होता है बल्क डेंसिटी अपॉन 1+ वाटर कंटेंट, ये होता है। ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो लिख लें या याद कर लें, ठीक है। तो इस फार्मूला पर बैठिएगा, अगर गामा बल्क डेंसिटी का मान 22 एंड वाटर कंटेंट का मान कितना है, वो 0.1, 10% है 0.1, इसको कीजिएगा तो 20
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा आंसर, ठीक है मिला लीजिएगा एक बार। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज जीरो, द सॉइल इज, कौन सा सॉइल होगा जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो होगा, वो उसको सॉइल बोलते हैं हम लोग, सैंड को बोलते हैं। अच्छा प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो जानते होंगे IP बराबर, सॉरी IP बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सैंड, क्योंकि सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स कैसे बोलते हैं, टफनेस इंडेक्स होता है जो प्लास्टिक लिमिट टू फ्लो इंडेक्स होता है, क्या होता है IP अपॉन IF, ठीक है टफनेस इंडेक्स क्या होता है IP अपॉन IF होता है। चलिए ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। तो ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो चलिए इसका बताइए इसका क्या होगा, लिक्विड लिमिट WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, इसका आंसर बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। देखिए अगर यहीं पे रहता, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे उसमें बताए थे वाटर कंटेंट का रेंज बताए थे, इसमें वाइड रेशियो का रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे होता है वाइड रेशियो इज ग्रेटर देन जीरो, तो इस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन के अनुसार खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आंसर है नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं कभी नहीं होगा, गलत है, एक से भी हो सकता है क्योंकि जीरो से ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है बी जीरो, जीरो होगा नहीं, जीरो के बराबर तो अभी लिखे नहीं है, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और डी ऑप्शन है टेक वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन, ये नहीं हो सकता, ठीक है ये कोई फिक्स नहीं है कि जीरो से वन के बीच में ही होगा, जीरो से ज़्यादा भी हो गया, ठीक है। और हम यहाँ बता देते हैं आपको कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो लेते हैं जो 0.95 जनरली लेते हैं, और मिनिमम वॉइड रेशियो लेते हैं 0.35, ठीक है एक क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन SSC में। ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर रीडिंग आर करेक्टेड फॉर, हाइड्रोमीटर रीडिंग किसके लिए कलेक्टेड करते हैं, चलिए बताइए इसका आंसर, ऑप्शन देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका ऑप्शन है टेम्परेचर करेक्शन के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं हाइड्रोमीटर, मिनिशियस करेक्शन के लिए, या डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन के लिए, या डी है जो ऑल ऑफ द एबव के लिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ए ग्रिलेज फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर हैवीली लोडेड आइसोलेटेड कॉलम, बी ऑप्शन है ए ट्रीटेड हैज अ स्प्रेड फाउंडेशन, सी ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ परपेंडिकुलर स्टील बीम, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द, तो बताते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन हमेशा हैवी लोड के लिए करते हैं, आइसोलेटेड कॉलम होता है, और ये शॉर्ट सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत में आता है। देखिए सैलो फाउंडेशन क्या होता है, सैलो फाउंडेशन में होता है विड्थ ज़्यादा होता है डेप्थ से, ठीक है यहाँ पे देखिए अगर विड्थ ज़्यादा हुआ तो स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड फाउंडेशन होता है, और सी ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें
दो भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं। स्टील और जब भी गिलेज फाउंडेशन हुआ तो स्टील का ही लगाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला बात इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल बोले तो सैंड विद इन द बैक फील ऑफ ए रिटेनिंग वॉल इज। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बता देते हैं, वर्टिकल इफ द सॉइल इन इज इन एन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिस इक्विलिब्रियम। बी है वर्टिकल इफ द सॉइल इन ए पैसिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन। और डी है नॉन ऑफ द एबव। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए, कुछ समय देते हैं इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा आपका वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट में। जब एक्टिव स्टेट में रहता है तो होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल। ऑप्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल। बी ऑप्शन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल। सी है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। और डी है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो चलिए इसका इसका बता देते हैं। इसका शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई होता है। सी तो सी तो कांस्टेंट है, तो टाव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिग्मा के। और सिग्मा यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राई एक्सियल टेस्ट इज प्रीफर्ड टू डायरेक्ट शियर टेस्ट। चलिए बताए ट्राइजल टेस्ट क्यों प्रीफर करते हैं डायरेक्ट शेयर के तुलना से, डायरेक्ट शेयर टेस्ट की तुलना में। बिकॉज इट कैन बी परफॉर्म अंडर ऑल थ्री ड्रेनेज कंडीशन विथ कंप्लीट कंट्रोल। बी ऑप्शन है प्रिसाइज मेजर्ड ऑफ पोर प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलोअर प्लेन इज नॉन यूनिफॉर्म। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइजल शियर टेस्ट में हम लोग तीनों ड्रेनेज को फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें निकाल सकते हैं कंडीशन हो सकता है। तो सी पहला तो होता है सी यू टेस्ट, यू टेस्ट एंड सी डी टेस्ट। तो सी यू टेस्ट क्या है, चलिए बता दें इसमें कौन कौन सा होता है, सी यू टेस्ट, UU टेस्ट एंड CD टेस्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताते हैं। CU टेस्ट का कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट एंड कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द कैसाग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सॉइल पेस्ट ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉपर देन। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इस एक क्वेश्चन तो सिविल इंजीनियरिंग का बुक सबसे इंपॉर्टेंट बुक में भी है, गुप्ता एंड गुप्ता में का बुक है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन मतलब दूसरा स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो आते हैं इसका आंसर, बताइए इसका आंसर कौन सा रहेगा। इसका लिक्विड लिमिट हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्जागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसंट्रेशन एज्यूम्ड। तर्जागी साहब थे जो वो क्या क्या एजम्पशन किए थे, तो वो माने थे सवाल क्या था, होमोजेनियस था,
और फुल्ली सिचुएटेड था। वायल एंड सॉयल पार्टिकल आर इनकम्प्रेसिबल, सॉयल पार्टिकल क्या था, इनकम्प्रेसिबल था। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉयल एंड इंटायर ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, सॉयल के डिफॉर्मेशन के दौरान चेंज करेगा वॉल्यूम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राइएक्सियल अपैरेटस यूजुअली यूज फॉर, अभी क्वेश्चन बताए थे इसका, इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अभी बताए थे ना यू टेस्ट, सी डी टेस्ट और सी यू टेस्ट, तो वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट असेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट वेरिएशन इन शियर स्ट्रेंथ विथ वाटर कंटेंट। सही है, शियर स्ट्रेंथ वेरी करेगा जब वाटर को, जब वाटर कम या ज़्यादा होगा तो। बी ऑप्शन है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया था कि प्लास्टिक लिमिट क्या था। सी ऑप्शन है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट इज नोन एज श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, भी होता है, सही है, श्रिंकेज इंडेक्स होता है। और डी है जो ऑल ऑफ द, चलिए तो सारा तो सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्का छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड इज नोन एज। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, तभी तो बता देते हैं। इसका होता है एयर कंटेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम वॉइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एयर कंटेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्ले सब्जेक्टेड टू प्रेशर इन एक्सेस टू इट्स प्रेजेंट ओवर बर्डन इज सेड टू बी। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा, इसमें बोल रहा है ए क्ले सब्जेक्टेड टू प्रेशर, प्रेशर इन एक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में, टू इट्स प्रेजेंट ओवर बर्डन मतलब अभी जो है वो ओवर बर्डन, तो उसका बताइए उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका उसको क्या कहते हैं, प्री कंप्रेस्ड या प्री कंसंट्रेशन कंसंट्रेट या ओवर कंसंट्रेट। चलिए बताते हैं इसका आंसर, इसका आंसर तीनों हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा तीनों, तो बोले तो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हल्का क्वेश्चन आपके लिए, द कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है स्ट्रेन टू स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन टू स्ट्रेस, नॉकी स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल स्ट्रेस इन ए सॉइल मास इज फोर्स पर नेचुरल एरिया, फोर्स पर इफेक्टिव एरिया या स्ट्रेस टेकन अप बाय द पोर वाटर, या डी ऑप्शन है स्ट्रेस टेकन अप टू सॉलिड पार्टिकल। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेस टेकन बाय द पोर वाटर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सिंग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एन अरेंजमेंट कंप्रेसिंग पार्टिकल हैविंग, पहला ऑप्शन है फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, बी ऑप्शन है एज टू एज ओरिएंटेशन, सी ऑप्शन है एज टू फेस ओरिएंटेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो डिस्पर्स टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, वो कैसे रहता है, फेस टू फेस रहता है या एज टू एज रहता है। चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे, तो इसका आंसर होगा आपका फेस टू फेस। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन बना होगा तो जितना क्वेश्चन बना उसका कमेंट में लिख के बताएं, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में जो भी त्रुटि हो तो कमेंट में लिख कर बताएं, जो अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सुधार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये है आपका पार्ट वन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।